Hello everyone, once again welcome back to Simple Ways. आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये साल का ये सबसे फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल आप सबके लिए एक पीस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेसफुल ईयर हो। तो आज का टॉपिक रहेगा लक्षद्वीप। हाल ही में हम सबको पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में एक टूरिज्म को लेके एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसकी वजह से लक्षद्वीप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो या सेंट्रल लेवल का हो, तो लक्षद्वीप जैसा टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछना चांस बहुत ज्यादा है। ओके, इसलिए आज हम लोग लक्षद्वीप को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में उसका फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में हम लोग जानने के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में मैं आप सबको हाईलाइट देना चाहूंगा कि आखिर लक्षद्वीप इतना इम्पोर्टेंट क्यों रह गया। क्योंकि हाल ही में जब जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, जब लक्षद्वीप विजिट किया था, तब लक्षद्वीप विजिट करके उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया था लक्षद्वीप को लेके। तो उसके बाद से मालदीव का जो यूथ मिनिस्ट्री था, वहां से दो तीन जो यूथ मिनिस्टर्स का, उन्होंने डिरोगेटरी एक रिमार्क दिया था मोदी जी के ऊपर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर में, उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। ओके, तो क्या है कि ये सोच लो, ये इंडिया है, तो यहाँ में लक्षद्वीप है और मालदीव जो ये जगह पे है। ओके, तो बहुत ही सामने है, ये आर्चिपेलागोस है, ये आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है, बोट मालदीव है लक्षद्वीप। तो मालदीव का प्रोपेगेंडा और या आइडियोलॉजी क्या है बोलने से, 2018 से लेके 2020 तक, जब मालदीव का प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली था, ओके, जो मोहम्मद इब्राहिम सोली था, उस समय में जो प्रेसिडेंट जो था वो इंडिया का साथ गुड रिलेशन रखा हुआ था। वो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी था, तो इंडिया भी डेमोक्रेसी है, तो वो लोग का आइडियोलॉजी सेम था, तो टिल देन था गुड रिलेशन था, अच्छा था। बट जब से 2023 में एक नया प्रेसिडेंट आया है, उसका नाम है मोहम्मद मोइजू बोल के, मोहम्मद मोइजू बोल के ना, तो जब से वो आया है, उसका पीपल्स नेशनलिस्ट कांग्रेस ऐसा कुछ है, पीएनसी बोल के उसका पार्टी जो, तो जब से वो आया है, वो जो चाइना का साथ टिल्टेड है, समझ रहे, चाइना का साथ टिल्टेड है, तो उसका कैंपेन, जब प्रेसिडेंट कैंपेन चल रहा था, उसी समय से उसका एजेंडा था या उसका मोटो था इंडिया आउट। ओके, क्या था, इंडिया आउट, वो एक कैंपेन स्लोगन था, इंडिया को मालदीव से बाहर निकलना है बोल के। तो ऐसे हो कि उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता है, जीतने के बाद उन्होंने जो जो मालदीव का जो एक ट्रेडिशन था, जीतने के बाद जो भी प्रेसिडेंट सबसे फर्स्ट इंडिया को विजिट करता है, क्योंकि इंडिया सबसे क्लोजेस्ट एलाय था, ताकि वो वहां पे इंडिया को विजिट नहीं करके, जो तुर्की जो इंडिया का साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, तुर्की ये जगह में है, वो डायरेक्ट फर्स्ट विजिट तुर्की को विजिट किया है। ओके, ऑफिशियल विजिट, तो वो सब था। फिर उसके बाद थोड़ा दिनों बाद फिर इंडिया का जो 75 मिलिट्री बैठा है, वो जो मालदीव में, जो कि मालदीव का मिलिट्रीज होता है वहां में ना, कोस्टल गार्ड हो गया, मिलिट्री, कुछ कुछ लोग को, वो लोग को एक एक्चुअली गाइड देता है, वो लोग को सिखाता है कि क्या करना है, नहीं करना है, जब सिखाने के लिए बैठा हुआ, वो लोग को वहां से निकाल दिया। इसके बाद फिर जो मालदीव एरिया में, जो वाटर एरिया में सर्वे होता है हर साल, वो ट्रीटी को भी एक्सटेंड नहीं किया, समझ रहे, वो चीज को भी एक्सटेंड नहीं किया, उसको भी टुकड़ा दिया। तो ऐसे होके मालदीव और इंडिया के बीच में एक टेंशन बना हुआ था। तो उसके बाद इसे टेंशन समय में पीएम मोदी जो लक्षद्वीप विजिट करता है और लक्षद्वीप को प्रमोट करता है टूरिज्म, उसके बाद से ये शुरू हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं, ये था हाईलाइट एक्चुअल में लक्षद्वीप क्यों इम्पोर्टेंट था। तो आप देख सक रहा होगा, ये इंडिया का केरला कोस्ट है, ये केरला कोस्ट के बाद इस तरफ में जितना भी है ये अरेबियन सी है। ओके, अरेबियन सी है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है क्या है, लक्षद्वीप। ओके, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये 222 ये 440 किलोमीटर ही है, ये यहाँ से केरला से लेके यहाँ तक। ओके,
तो इसलिए यहाँ में जितना भी आदमी बैठता है आप बोल सकता है मलयालम लोग बैठते हैं जो कि केरला में डोमिनेंट है वो लोग का जो ट्राइब है। तो यहाँ में हम लोग लक्षद्वीप का फैक्ट्स एंड फिगर्स जानना जानेंगे आज। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या है बोलने से, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप जो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिपेलेगो। ओके, आर्चिपेलेगो है कितना का, 36 एटोल्स। ओके, 36 एटोल्स मतलब क्या होता है कि जो कोरल से आइलैंड बनता है। ओके, एक कोरल होगा ऐसा, ऐसे हो क्या कोरल्स लोग होता है ना, उससे आइलैंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटोल्स बोलते हैं। तो 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या उसको आर्चिपेलगो से क्या बनता है, लक्षद्वीप बनता है। ओके, ये सब है। ओके, आर्चिपेलगो से तो लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कब हुआ था? ओके, लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लक्षद्वीप का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, 1956 जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिल चुका था। इसके बाद फॉर्मली लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नहीं बोलता था, उसको क्या बोलता था हम लोगों, लक्षद्वीप। ओके, क्या बोलता था, लक्षद्वीप। तो इम्पोर्टेंट है कि लक्षद्वीप में कितना आर्चिपेलगोस है, 36 है, कब फॉर्मेशन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 को, फॉर्मली उसको क्या बोलता था या ओल्ड नेम क्या था उसका, लक्षद्वीप। ओके, तो लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कब बनाया बोलने से 1973 को जो लक्षद्वीप था उसको हम लोग क्या बोला, लक्षद्वीप था उसको हम लोग क्या बोला है, लक्षद्वीप बोल के। ओके, ये सब डेट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लक्षद्वीप मतलब 100,000 आइलैंड्स, बहुत सारा आइलैंड्स, ये मलयालम में। ओके, क्या है, मलयालम लैंग्वेज में 100,000 आइलैंड्स। ओके, तो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम ही है। ओके, और इसके एरिया जो बहुत छोटा है, देखो 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है ये सब एरिया जो मिल के ना, और ये यूनियन टेरिटरी है और इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ओके, ये एरिया बेसिस में जो लक्षद्वीप है जो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ओके, और मैंने बताया ही था ये जितना भी आइलैंड्स लोग है मेनलैंड शोर से 222 से लेके 440 किलोमीटर ही है। ओके, यहाँ से इसके बाद उसका हेडक्वार्टर का नाम है क्या है, करावती। ओके, इसके बाद लार्जेस्ट सिटी बोल सकता है ये, यहाँ में सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है, एंड्रोथ, एंड्रोथ। ओके, एंड्रोथ, ये एंड्रोथ सिटी या एंड्रोथ आइलैंड जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है लक्षद्वीप का। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। ओके, इसके बाद इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, लक्षद्वीप का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो जो केरला हाई कोर्ट में ही उसका डिवीजन का अंदर में ही आता है। ओके, इसके बाद लक्षद्वीप का सिर्फ एक ही एमपी है वो है लोकसभा का। ओके, वो भी एसटी रिजर्व है, 2000 आई गेस 2015 से एसटी रिजर्व कर दिया है, 15 या 14 से एसटी रिजर्व कर दिया वो जो एमपी है ना, वन सीट जो लोकसभा का। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज क्या है बोलने से, बाय नंबर्स स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये जो जो लक्षद्वीप का जो वो है ना, जो वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाय नंबर ऑफ वोटर्स। जो लक्षद्वीप में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहां का, 64,000 ऐसे कुछ ही है पॉपुलेशन। ओके, लक्षद्वीप का पॉपुलेशन तो ये सबसे वन ऑफ दी नहीं, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय नंबर ऑफ वोटर्स। ओके, इसके बाद वहां में राज्यसभा का कोई एमपी नहीं है और एमएलएस नहीं होता है क्योंकि वो यूनियन टेरिटोरी है, तो वहां में लेफ्टिनेंट जनरल, ओके, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो लोग वहां में शासन चलाता है या रूल करता है। ओके, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है लक्षद्वीप का, प्रफुल्ल पटेल। ओके, एक्चुअली 2019 में जो लक्षद्वीप का लेफ्टिनेंट जनरल या एडमिनिस्ट्रेटर जो मर गया था, तब से जो दमन दीव और नगर हवेली जो है उसका जो यूनियन टेरिटरी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर है वही लक्षद्वीप को भी देख रहा है। ओके, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है ये प्रफुल्ल पटेल को। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है 2,149 स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस ये सब। ओके, इतना है पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसके बाद सेक्स रेशियो काफी अच्छा है, 946 फीमेल पर 1,000 मेल्स। ओके, जो कि इंडिया का कितना है, इंडिया का एवरेज से थोड़ा सा 3 ज्यादा है। ओके, इसके बाद
लिटरेसी रेट काफी अच्छा है लक्षद्वीप का, 92.28, क्योंकि केरला का बहुत अच्छा है तो लक्षद्वीप भी, वहां में भी मलयालम आदमी लोग ही बैठता है, तो उसका वजह से इन्फ्लुएंस है वहां में, तो इसलिए लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है। इसके बाद एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सिर्फ एक ही है, अगाती एरोड्रोम बोलते हैं, अगाती आइलैंड में है ये, यही एयरपोर्ट जो एक ही एयरपोर्ट है उस, एक्चुअली ये अगाती एयरपोर्ट जो नॉन कॉमर्शियल है, क्या है नॉन कॉमर्शियल, ये कुछ मिलिट्री या कुछ अर्जेंट काम लोग के लिए यूज करता है, यहाँ में कॉमर्शियल एयरपोर्ट लैंड नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको लक्षद्वीप जाना है बोलने से एक ड्रॉबैक है कि आपको बाय शिप ही जाना पड़ेगा, एक दिन लग जाता है। ओके, इन फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 के बाद एक लॉन्च किया था कि ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ना, वहां में ये कॉमर्शियल एयरपोर्ट बनाएगा बोल के अभी लगा हुआ है वो चीज जो। इसके बाद लक्षद्वीप का कुछ यूनियन टेरिटरी एनिमल्स या स्टेट एनिमल्स जानते हैं, जैसे कि वहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, बटरफ्लाई फिश, क्या है बटरफ्लाई फिश, ये फिश नहीं है, एनिमल का नाम है। ओके, इसके बाद यूनियन टेरिटरी वहाँ का लक्षद्वीप का जो बर्ड है उसको ब्राउन नोडी बोलते हैं। ओके, ब्राउन नोडी। इसके बाद वहाँ का ट्री, जो ट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड फ्रूट। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी देगा होगा। इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का ना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो जो क्या है, अमिनडीवीस आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ अमिनडीवीस आइलैंड जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। इसके बाद साउदर्न मोस्ट जो मिनिकॉय आइलैंड है। ओके, मिनिकॉय आइलैंड। इसके बाद एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल जो हमेशा एग्जाम्स लोग में आते रहते हैं, एक्चुअल क्या है ये, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो 9 डिग्री चैनल है। ओके, जो 9 डिग्री चैनल है वो जो रेस ऑफ द आर्चिपेलागोस है ना, उसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप का जो रेस ऑफ द आर्चिपेलागोस है उसको मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में देखो, ये लक्षद्वीप है टोटल ना, तो यहाँ में ऊपर में जितना भी है लक्षद्वीप का आर्चिपेलागोस उसको ये मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है, ये वाला जो, इसको हम लोग क्या बोलता है, 9 डिग्री चैनल। ओके, क्या है ये, 9 डिग्री चैनल, समझ में आ गया, ये मिनिकॉय है और ये रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। तो यहाँ पे वो चीज जो एक्चुअली क्यों ये 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री 10 डिग्री क्यों बोलता है बोलने से, हम लोग को एक चीज पता है इक्वेटर में कितना होता है, जो कि ग्लोब जो है ना, ग्लोब जो अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो कितना होता है, 0 डिग्री। तो ऊपर में जाते रहेगा, ऊपर में जाते रहेगा तो ये डिग्री जो बढ़ते रहेगा, है कि नहीं, तो इसलिए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को ये मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आर्चिपेलागोस को 9 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है। ओके, यहाँ में पहुंचे 9 डिग्री होते हैं। इसके बाद लक्षद्वीप और जो मालदीव है, ये मालदीव जस्ट नीचे में मैंने बताया था शुरुआत में, लक्षद्वीप और मालदीव जो है उसको सेपरेट करता है क्या से, 8 डिग्री चैनल, क्योंकि यहाँ में 0 है तो इसके बाद 1 आते रहेगा, 2 3 3 ऐसे बढ़ते रहेगा, तो 8 9, समझ रहे ना, तो मालदीव नीचे में है इसलिए 8 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है, और 9 डिग्री जो लक्षद्वीप का रेस्ट ऑफ द आर्चिपेलागोस और मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। ओके, लक्षद्वीप को दो पार्ट में क्या क्या सेपरेट करता है बोलने से, 9 और मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन लोग आते रहते हैं। और उसके बाद आपको एक जानकारी भी होना है कि 10 डिग्री चैनल आखिर क्या है, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये चीज जो, तो अंडमान निकोबार आइलैंड को, अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है क्या से, 10 डिग्री चैनल। ओके, तो इसलिए 8 9 10 ये सबको जानना जरूरी है। तो ये था लक्षद्वीप के ऊपर में, तो अभी लक्षद्वीप में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा अभी, और क्योंकि टूरिज्म प्रमोट करना है तो अपना कंट्री में, तो मालदीव जो इंडियन कैंपेन आउट, और अभी फिलहाल में मालदीव का जो प्रेसिडेंट है वो जो चाइना गया हुआ है, चाइना 5 डेज ऑफिशियल विजिट के लिए, और वहाँ में उन्होंने अर्ज किया कि चाइनीज पॉपुलेशन या चाइनीज जो सिटीजन्स है उसको अर्ज किया है कि मालदीव में टूरिज्म के लिए विजिट करें, क्योंकि मालदीव जो इंडिया के साथ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में 200,000 दैट मीन्स 2 लाख इंसान लोग, 2 लाख टूरिज्म जो इंडियन है उन्होंने विजिट किया था,
और ऑलमोस्ट 20% टूरिज्म जो इंडिया से ही मिलता है। ओके समझ रहे हैं। और इंडिया जो हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर है मालदीव का ना, जैसे कि सुनामी हुआ था उस समय मदद किया है, पहले कॉप हुआ था उस समय भी इंडिया मिलिट्री ने इंटरवेंट करके मालदीव को बचाया था। इसके बाद सुनामी हो गया, फिर एक बार फ्लड आके पानी का क्राइसिस था उस समय भी इंडिया ने SOS, इंडिया को SOS भेजने के बाद इंडिया आके पानी दिया था शिप से, है कि नहीं। और इसके बाद बहुत कुछ में इंडिया जो मालदीव को हमेशा मदद करता है। बट जब से ये इब्राहिम सोली सॉरी इब्राहिम मोहम्मद म्यूजू आने के बाद ये इंडिया आउट कैंपेन इंडिया के साथ रिलेशन जो खराब हो गया। ओके तो लेट्स सी, होप फ्यूचर में अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया के लिए मालदीव वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है। अगर इंडियन ओशन में अपना दबदबा रखना है, चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को, ये चीज को चाइना एक अपॉर्चुनिटी देखेगा ये कंट्रोवर्सी को ना। और इंडिया श्रीलंका तो ऑलरेडी गया है कि नहीं, म्यांमार तो भी गया, पाकिस्तान भी गया, अभी मालदीव भी गया, तो इंडिया को ऐसा घेरा कर देगा चाइना, है कि नहीं। और इंडियन ओशन में उसका दबदबा नहीं होगा, तो इसलिए इंडिया को अगर चाइना को काउंटर करना है इन फ्यूचर इंडियन ओशन में अपना रास रखना है, तो मालदीव ये सब कंट्रीज लोग, श्रीलंका ये सब कंट्रीज लोग के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये सब रहा ये लक्षद्वीप का ऊपर में और मालदीव का ऊपर में, थोड़ा हाईलाइट कर दिया। ये आपको जो सिविल सर्विस है उन लोग के लिए प्रीलिम्स और GS पेपर 2 से कई हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। देखने के लिए थैंक यू सो मच।